हेलो एवरीवन एंड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों में सोबो कंपनी को जानते होंगे, काफ़ी फेमस ब्रांड है स्पेशली एक्वेरियम के प्रोडक्ट्स बनाने में। बट एक्वेरियम के अलावा बहुत सारे गार्डनिंग प्रोडक्ट्स, फाउंटेन प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें से मैं आप लोगों के पास एक फाउंटेन किट लेके आया हूँ, ये सोबो कंपनी की है और आप लोग देख सकते हैं ये दो वेरियंट में है। जो फाउंटेन की गोल तरीके से इसमें बनेगा और दूसरा सावर तरीके से हो रहा है। और इसको अपन लोग पूरा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करती है, क्या आपके और हमारे काम की है, क्या हमारे एक्वेरियम में वर्क करेगी या नहीं करेगी हमारे। क्योंकि इसके साथ देखिए मोटर नहीं मिलता, सिर्फ इसके साथ ही पूरी किट आती है इसकी। इसमें आप लोग देख सकते हैं दो ठो इसका पूरा प्लम्बिंग सिस्टम है। और सबसे खास बात होती है इन फाउंटेन किट्स वगैरह की या प्रोडक्ट्स की, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मीनू कार्ड ही नहीं होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मीनू कार्ड की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसमें बहुत सारा मीनू कार्ड डाला हुआ होता है, जिसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसमें थोड़ा सा ज़रूरत होती है उस पर कंपनी वाले डाल के देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कंपनी वालों को। और लोग देख सकते हैं कई सारे इसमें क्लैंप वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूँ एक्वेरियम में, और देखते हैं क्या एक्वेरियम में काम करेगा फाउंटेन किट या नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरे सारी चीज़ें सक्सेस जाती हैं, वैसे ये फाउंटेन किट भी सक्सेस होगा और हम होंगे कामयाब आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाने में। ये देख कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया होगा, ये तेज़ धीमा करने का, ओके ये फ्लो को दो टू करना है तो इसको 50 में कर देते हैं। ये आई थिंक जो गोला टाइप से बन रहा था उसके लिए, ये देख सकते हैं कैसा इसमें इसको मतलब बड़ा छोटा करने के लिए है, कैसा गोला बनाना है, कितना बड़ा कितना छोटा कैसे इसको उतने भी सेट कर देते जितने भी था ये यू। इसको लगाते हैं इस पर, इसको लगाते हैं इस पर, एक बार पिक्चर देख लेते हैं शायद इससे कुछ समझ में आ जाए अपन लोग। ये वाला अपन लोग बना रहे हैं, अच्छा ये बन रहा अभी तो अच्छा यहाँ पे बीच पे ये दो पाइप दी हुई है, ये एक दो, इनको दोनों को 1 2 ये ऊपर नीचे फिर सेट करना है। और यहाँ पे ये आपका प्लम्बिंग टाइप का कुछ सिस्टम है, ये टाइट करने के लिए है इसको, मतलब इसको यहाँ पे ढीला कर देंगे ये यूँ। अब यहाँ पे इसका एक कनेक्टर और लगेगा आई थिंक, ये ऐसे फिर ये ऐसे राइट, और यहाँ पे लीकेज ना हो इसकी ऐसे इसको टाइट करने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कितने वाट के मोटर चाहिए अपन लोगों को और अभी क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी से ये चलेगा, इसका आविष्कार हम ही लोगों को करना पड़ेगा हमें आपको मिल के। तो चलते हैं, ये दो तीन क्लैंप और रखे हुए हैं जो कि मेरे समझ में आ नहीं रहे हैं कुछ खास, फिर भी एक बार कोशिश की जाए। आई थिंक ये डायरेक्ट ही लग जाएगा अब तो, बट इसके नीचे कुछ लगा हुआ दिख रहा है, ये कोई चीज़ है नहीं इस पर। चलिए देखते हैं कोई मोटर और आप लोगों को दिखाते हैं इसे चला के। हमने RS का एक पावर हेड लिया हुआ है जो कि 25 वाट का है, और इस पर हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी तब जाके अभी अपन लोगों ने इसको किसी तरीके से जुगाड़ पता चला है कि इसको कैसे सेट करेंगे। फाउंटेन का सेट है, उसे टाइट करके यहाँ पर सेट कर लिया गया है, ठीक है। और इसका ये नीचे बेस सिस्टम भी लगा दिए जो इसकी हाइट देता है, ये यहाँ पर लग गया। अब इसे लगाएंगे यहाँ पे पावर हेड, अब आप लोग देख सकते हैं पूरा कैसे दिख रहा है। कुछ इस तरीके से मैंने जुगाड़ सोचा है कि ऐसे वर्क करेगा। तो चलिए अभी इससे पहले चला के देखते हैं, एक्वेरियम के अंदर डाल के देखते हैं क्या ये काम करता भी है या नहीं। एक्वेरियम में मैं डाल दे रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली अपनी स्टैंड पर खड़ा हो गया है। अब देखते हैं, उम्मीद करिए कि ये सक्सेस हो जाए और दिखे हम लोगों को कि ये कैसा वर्क करता है और कैसा सिस्टम है इसका। अभी थोड़ा सा चला था बट टिक गया, मैं इसका कनेक्शन थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से ये चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। आप लोग देख सकते हो ऊपर से भी ये कैसा अच्छे से एडजस्टमेंट सही नहीं है, इसे एडजस्ट करते हैं।
आप लोग देख सकते हैं फीलिंग 25,000 की मोटर से चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है कहा जाए तो अपने हिसाब से, और इस मोटर से भी चल रहा है। अब आप लोग ऊपर से देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, एकदम पूरा गोला बना हुआ है पानी का बेहतरीन तरीके से। लाइटिंग का इफेक्ट भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये जैसे ख़ास बात कि एक्वेरियम में काम कर रहा है और नॉर्मल एक पावर हेड से कि भी इसमें तो ट्विन बन हो रहा है। अभी थोड़ा सा एयर इससे यहाँ पानी यहाँ से फेंक रहा है, अगर इसे मैं दबा देता हूँ यहाँ से पानी नहीं निकलेगा तो ये और फोर्स बढ़ जाएगा इसका। तो अगर आप लोगों के पास ओपन एक्वेरियम है या कुछ और भी है सिस्टम तो आप लोग उस पर इसे लगा सकते हैं। मोटर जितनी हैवी लगाएंगे उतना ही बड़ा ये बनेगा। जैसे यहाँ पे दो तरफ से वो हो रहा है ना, पानी निकल रहा, एक ऊपर तरफ फोर्स जा रहा है और ये यहाँ सामने तरफ जो फेंकने वाला होता है वो भी हो रहा है, बट फिर भी ये बेहतरीन काम कर रहा है। चलिए इसका दूसरा वाला देखते हैं वो कैसा काम करता है, जिसका दूसरा वाला सेट है जो रैनी वाटर की तरह चल रहा था। तो फाइनली मुझे पता चल चुका है कि ये किस चीज़ के लिए कंपनी वालों ने दिए हुए। एक्चुअल में जो पावर हेड होता है या कहें जो मोटर होती है पानी वाली, वो तरह तरह की आती है, उनकी साइज़ें भी तरह तरह की होती हैं और इसकी फाउंटेन की हाइट भी अलग हो सकती है। तो अगर कुल मिला के किसी भी तरीके की अपने पास मोटर होती है, टुल्लू पंप होता है जो या पावर हेड होता है तो उस पर एडजस्टमेंट के लिए इसको, और फिलहाल ये वर्जन 2 है अपने इस फाउंटेन के सेट का। तो चलिए चलते हैं फिर से अपन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक चीज़ मैं चेक करना भूल गया था जो मैं चेक करने वाला हूँ। एक्चुअल में आप लोग देख रहे थे जब मैं नीचे तरफ इसका एडजस्ट करने वाला था बटन, उससे मैंने फाउंटेन की स्पीड नहीं बढ़ाई, उससे मैं थोड़ा सा बढ़ा के और घटा के देख लेता हूँ कि कैसा। इधर तो क्लोज हो गया, इधर इसको थोड़ा सा स्लो और फास्ट करवा के देखता हूँ। खुल गया एक्चुअली, अच्छा अभी हाथ से ऐसे करते गए ना तो ये बड़ा होता भी गया। खैर इसकी स्पीड इतनी है और ये इससे ज़्यादा, इस पावर हेड में इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब अपन लोग इसके इस्तेमाल करने वाले हैं एक हाई पावर वाट की मोटर के साथ में और एक थोड़ा सा बड़ी जगह में जिससे चारों तरफ पानी फैलने में कोई दिक्कत ना हो, और इस्तेमाल करते हैं एक टब को और उस पर देखते हैं इसका असली व्यू। उसमें आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा कितना नहीं आ रहा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जिसे ऐसे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स को मैं लाता रहा और उसके दूसरे वेरिएंट को भी चेक करते हैं अपन लोग। पहले एक्वेरियम के अंदर वर्क कैसे करता है, उसके बाद एक्वेरियम के बाहर बड़े टब में कैसा वर्क करता है। इस बार जिसमें मोटर यूज़ कर रही है वो 35 वाट की है। तो एक वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए वीडियो को। अब आप लोग इसका सेकंड नंबर का फाउंटेन सिस्टम देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके लिए ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा वाट की पावर चाहिए और मोटर चाहिए जिससे उसका पानी का फैलाव चारों तरफ से बराबर हो सके, और इतना अच्छा व्यू नहीं बन पा रहा है आई थिंक। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये हमें अपने बड़े एक्वेरियम में लगाना चाहिए या सिर्फ ये पॉन्ड के लिए बेहतरीन है, या किस चीज़ के हिसाब से किस पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों को ये सही लग रहा है। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में बहुत दिन से इच्छुक था जानने के, अरे मैं आप लोगों को बताना चाहता था जिसकी वजह से मैं इसे ख़रीद के लाया हूँ आप लोगों के लिए। वैसे अभी मैंने जो मोटर लगाई हुई 25 वाट की है तो 35 से 40 वाट उस पर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा और बनेगा भी। तो अभी हम लोगों ने मोटर का वाट चेंज कर दिया है और जहाँ पे चेक करना है फाउंटेन को उसको एक यूज़ कर रहे हैं टब जो कि चौड़ा और बड़ा होता है, और एक्वेरियम थोड़ा सा सकरा भी पड़ रहा था क्योंकि उसमें फ़ोर्स ज़्यादा होगा, वहाँ पास ऊपर दीवार भी थी तो मज़ा नहीं आता। इसके लिए खुली जगह पर ले कर आए हैं और हैवी मोटर भी लगाए हैं। अब आप लोग देखें इसका व्यू, जिससे आप लोगों को गार्डन में यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल होगा उसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जिससे मैं आप लोगों के पास ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।